ग्रंथी ये होती क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है इट कैन बी एन ऑर्गन यानी अंग हो सकता है या फिर कोई सेल हो सकता है जैसे हमने अभी सेल का चित्र भी देखा था पीछे जो ग्रंथी बना रहा था दैट सिक्रीट्स जो श्रावित करता है कुछ वो क्या हो सकता है अभी कुछ कोई केमिकल हो सकता है जैसे म्यूकस हो सकता है या ऑयल हो सकता है या सलाइवा ठीक है थूक और मिल्क या ईयर की वैक्स हो सकती है या हॉर्मोन्स हो सकते हैं ये सारी सेक्रेशंस पैदा करते हैं ग्रंथियाँ हमारे शरीर में ये दो तरह की होती हैं ग्रंथियाँ एग्जोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड एग्जोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनको कहते हैं डक्टेड ग्लैंड्स इनमें डक्ट होता है इनमें पाइपें होती हैं ट्यूब होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस यानी बिना पाइप वाले बिना किसी ट्यूब वाले डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाते हैं ठीक है भाई तो ऊपर के चित्र देखते हैं आप ये चित्र देखो भाई और इनमें हमको दिखाई दे रहा है इस वाले चित्र में ए मान लो इसको और इसको मान लो बी ए वाले चित्र में एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये जा रहा है जी ऑयल निकल निकल के बाहर जा रहा है खोपड़ी के ऊपर आपके स्कल में पैदा हो रहा है हाँ नेचुरल ऑयल होता है जो आपकी खोपड़ी पैदा करती है आपकी स्किन पैदा करती है और तभी ज़रूरी नहीं होता कि हम तेल लगाएं वैसे लगाना चाहिए तो ये ऑयल निकलता रहता है हमारी खोपड़ी में ठीक है तो ये क्या है इसका मतलब ये ग्लैंड है ग्रंथी है जो हमारी स्किन के नीचे नीचे मिलती है कई सारी जगह पे स्किन के नीचे आपको ये वाला ग्लैंड मिलेगा ऑयल वाला ठीक है जी और ये पाइप है ना जो इसको लेके जा रही है और बाहर फेंक रही है तो ये कैसा ग्लैंड हुआ भाई पाइप वाला हाँ ये एग्जोक्राइन ग्लैंड का चित्र है उदाहरण है ऑयल वाला ग्लैंड तो इसका मतलब मैंने ये बी वाला कौन सा बनाया है हाँ ये ऑटोमेटिक एंडोक्राइन है फिर भी इसको देख लेते हैं कैसे भाई क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ये जो ग्लैंड है ना यानी ग्रंथि है जो कुछ पैदा कर रही है क्या पैदा करती है ये हार्मोन पैदा करती है याद रखिए कि एंडोक्राइन प्लैंड सदा हॉर्मस को पैदा करते हैं ओनली हारमोन्स पैदा कर रहे हैं जी तो ये ग्लैंड ने बनाया हारमोन और ये नीला नीला देख रहे हैं आप हॉर्मोन सीधा ही रक्त के अंदर खून की नलियों में आपकी रक्तवाहिकाओं में यानी एग्जाम्पल जैसे कैपिलरी में यानी ब्लड वेसल में सीधा ही डाल दिया गया है बिना किसी पाइप के नहीं कोई पाइप वाइप नहीं है तो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं डिफरेंसेस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्जोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस हॉर्मोन्स एक्जोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा ऑयल मिल्क वैक्स एक्सेट्रा एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस कोई इनमें पाइप वगैरह नहीं होती ट्यूब नहीं होती ये डक्टेड होते हैं इनमें ट्यूब पाइप के द्वारा स्रावित किया जाता है थर्ड पॉइंट इन एंडोक्राइन ग्लैंडस द केमिकल इज सिक्रेटेड फार ऑफ फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन दैट इज ग्लैंड प्रोडक्शन वाले एरिया से वो केमिकल वो सिक्रीशन बहुत दूर जाना पड़ता है और तब टारगेट ऑर्गन आता है वहाँ पे वो उसको दे देता है केमिकल कौन रक्त रक्त लेके जाता है और टारगेट ऑर्गन को दे देता है ये रहा ग्रंथी ये रहा टारगेट ऑर्गन ये रहा बीच में ब्लड जो लेके जा रहा है लेकिन यहाँ थर्ड वाले में क्या पॉइंट बनता है कि केमिकल जो सिक्रीशन होता है इसका जैसे म्यूकस वगैरह वो ग्लैंड साइट पे ही वही उसी जगह पे ही श्रावित कर दिया जाता है वो कहीं दूर वूर नहीं जाता चौथा पॉइंट हेयर द सिक्रेशन इज पोर्ड डायरेक्टली इन द ब्लड हेयर द सिक्रेशन इज़ नॉट पोर्ड इन द ब्लड स्ट्रीम ये रक्त में नहीं जाता इसका सिक्रेशन रक्त में जाता है एग्जाम्पल है एंडोक्राइन ग्लैंड के थायरोइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड आदि एग्जोक्राइन ग्लैंड के उदाहरण हैं स्टमक लिवर स्किन आदि एक्जोक्राइन ग्लैंड्स के उदाहरण हैं ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, यानी मिल्क ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स इन द स्किन वैक्स ग्लैंड्स इन द ईयर एट्सट्रा